Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. आज हमारा टॉपिक है कि आप अपनी मोबाइल की बैटरी को कैसे सेव करेंगे। आपकी मोबाइल की बैटरी डाउन है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी मोबाइल की बैटरी रोज़ाना से कम खर्च होए और आपको मोबाइल यूज़ करने में आसानी हो, ज़्यादा टाइम भी आप अपनी मोबाइल को यूज़ करें। उसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आपकी उम्मीद है आपकी मोबाइल की बैटरी कम से कम खर्च होगी। मैं हूं रक्षा नजीफ और आप देख रहे हैं क्रेजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। चले वीडियो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट अपडेट आ जाती है हमारे पास डिस्प्ले की। डिस्प्ले में ब्राइटनेस आप ऑटो पे ना करें। ऑटो पे होने से ये होगा कि मोबाइल का सेंसर ऑन होगा जिससे आपकी वीडियो जिससे आपका सेंसर हर टाइम ब्राइटनेस को स्लो करेगा, तेज करेगा, जिससे वो बैटरी को कंज्यूम करेगा, आपकी बैटरी खर्च होगी। तो उसको आप मैनुअल पे करें। मैनुअल पे आउटडोर हो, इंडोर हो, उसे मिनिमम से मिनिमम रखें ताकि बैटरी सेफ हो। सेकेंड अपडेट हमारे पास आ जाती है रिसेंट ऐप की। बैकग्राउंड में जितनी भी ऐप्स हैं उनको आप क्लियर कर दिया करें ताकि आपकी कोई भी नोटिफिकेशन ना आए, कोई भी ऐप्स ओपन ना हो जिससे आपकी बैटरी कंज्यूम होगी। फिर हमारे पास अपडेट आ जाए रिस्ट्रिक्शन बैकग्राउंड ऐप्स की। आप रिस्ट्रिक्शन बैकग्राउंड तब आते हैं जब आपकी बैटरी डाउन हो और आपको उस ऐप की ज़रूरत ना हो, तो आप रिस्ट्रिक्शन ऐप बैकग्राउंड डाल रहे। इससे ये होगा कि वो ऐप्स ऑन ही होंगे जब आप डेटा के साथ कनेक्ट होंगे, मतलब कि नेट के साथ कनेक्ट होंगे, तो वो ऐप ऑन नहीं होंगे, उससे आपकी बैटरी बच जाएगी। फिर हमारे पास आ जाती है अपडेट नंबर 4। वो अपडेट आती है हमारे पास कीबोर्ड में जब आप कोई भी टाइपिंग करते हैं तो वो कोई साउंड होती है या और कुछ टाइप साउंड होती है या कोई वाइब्रेशन होती है तो वो भी आप ऑफ कर दें ताकि उसको क्या जरूरत है, टून टू होते हैं या कोई भी म्यूज़िक होती है तो उसे ऑफ कर दीजिएगा। वो क्योंकि वो सेंसर आपके यूज़ होते हैं, उस वजह से आपका भी बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होती है, तो वो उसको आप कम करें ताकि आप अपनी बैटरी को सेव कर पाएँ। फिर हमारे पास यहाँ अपडेट आ जाती है वाईफाई कनेक्शन ऑन होता है, ब्लूटूथ ऑन होता है, GPRS ऑन होते हैं और बहुत से कनेक्शन ऑन होते हैं। उस कनेक्शन को जब आपकी ज़रूरत ना हो तो उन कनेक्शन को भी बंद कर दीजिए ताकि आपकी बैटरी कम से कम खर्च हो। फिर हमारे पास अपडेट आ जाती है कि अगर आपकी बैटरी डाउन है और आपको आप किसी बाहर जगह में और मोबाइल का चार्जर भी नज़दीक नहीं है तो प्लीज़ आप प्ले स्टोर में ऑटो अपडेट से हटा दें। ऑटो अपडेट में क्या होता है, अगर आपकी बैटरी 16% है, आप घर आए या ऑफिस गए और आपकी मोबाइल अपडेटिंग शुरू कर लेती है जिससे वो 15 मिनट में मोबाइल की कोई ऐप्स फेसबुक और इंस्टाग्राम अपडेट हो जाता है। उस अपडेट को आपको उस टाइम ज़रूरत नहीं होती, वो अपडेट हो जाता है, वो आपकी बैटरी कंज्यूम कर लेता है जिसकी वजह से आपका बैटरी की परसेंट और भी कम हो जाती है। तो इनको ऑफ कर दिया करें। ये कुछ टिप्स थी आप बैटरी सेव करने की। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं और भी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।